हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है कुछ इंटरेस्टिंग। अब इस वीडियो में क्या है वो आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर या कहीं पर भी पूरी एक्सेल शीट में किसी भी सेल में जाके क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक किया है और यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ, क्या टाइप करता हूँ, डी ई और एंटर कर देता हूँ, तो देवरिया अपने आप लिखा हुआ आता है, देखिए। और अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर कुछ टाइप कर देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं टाइप करता हूं आई एन और एंटर कर देता हूं, तो इंडिया अपने आप आ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आखिरकार किस तरीके से किया गया है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक्सेल ऑप्शन पे जाना है। 2007 में यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आपको यहां पर जाना है, ये जो ऑप्शन है ना ऑफिस बटन, यहां पर जाइए और यहां पर जाकर के एक्सेल ऑप्शन पे चले जाइए। और जब एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, प्रूफिंग। ये देखिए, पहला ऑप्शन पॉपुलर है, दूसरा फॉर्मूलाज है और तीसरा है प्रूफिंग। तो आपको कहाँ जाना है, प्रूफिंग पे ही जाना है। तो इस प्रूफिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला सेक्शन मिलता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन का, यहाँ पर जाकर के और इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है एक जगह रिप्लेस और एक कह रहा है विथ। तो रिप्लेस किसको करना है और उसके जगह पर क्या आएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर मैं सी लिखूं और ओ लिखूं और एम लिखूं तो उसको रिप्लेस करके कंप्यूटर अपने आप आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर कर दिया और इसको एड कर देंगे, ये एड कर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर मैं सी एच, अब देखिए यहाँ पर फिर रिप्लेस करना है, सी एच ए आर अगर मैं लिखूं एल ई एस चार्ल्स लिखूं तो यहाँ पे चार्ल्स बैबिस अपने आप आ जाए, सी एच, यहाँ पे देखिए लिख रहा हूं, टाइप कर रहा हूं ए आर चार्ल्स बैबिज बी ए डबल बी ए जी ई, तो ये लिखा चार्ल्स बैबिज। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करके और ओके कर देता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे सी ओ एम लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए कंप्यूटर अपने आप आ रहा है। और अगर मैं सी एच ए आर एल ई एस चार्ल्स लिखता हूं तो चार्ल्स बैबिज अपने आप आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आप और भी चीजें ऐसे करके बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर। और इसके साथ ही अगर आप 12th से बिलोंग करते हैं तो भी हमारे साथ जुड़िए, आपको MySQL और पाइथन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।